Hey guys, what's up? Welcome back to Rajani. तो guys, आज के वीडियो हम करने वाले हैं कुछ इस टाइप की फोटो एडिटिंग। तो यहाँ पे guys, आप देख सकते हो फोटो हमारी बहुत ही ज्यादा ऑसम होने वाली है। और गाइज आज का हमारा कॉन्सेप्ट है जोम्बी कॉन्सेप्ट। हो गाइज इस कॉन्सेप्ट के लिए बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था और एक भाई ने तो बहुत ही ज्यादा कमेंट किया था कि भाई इसके ऊपर वीडियो ले आओ। तो हमने भी सोचा गाइज चलो इसके ऊपर वीडियो लेकर आते हैं। तो इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड और पीएनजी यूज है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर वहाँ पे इजिली डाउनलोड कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी इंस्टा आईडी के, वहां से जाकर मुझे फॉलो भी कर सकते हो। तो गाइस अगर आप हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो एंड यार वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल ही ना बोलना। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट फॉर इट। तो गाइज हमने यहाँ पे क्या किया, अपने बैकग्राउंड को यहाँ पर अपने पिक्सार्ट में ओपन कर लिया और इसको सिंपल से हम रिसाइज करेंगे। और रिसाइज इसलिए करते हैं ताकि गाइज हमारी फोटो की क्वालिटी खराब ना हो। तो सिंपल से गाइज हम इसको रिसाइज कर लेते हैं। उसके बाद से गाइज यहाँ पे हम अपने बैकग्राउंड को मैनिपुलेट करेंगे। तो गाइज इस बैकग्राउंड को मैंने कैसे बनाया मैं गाइज बता देता हूँ। यहाँ पे गाइज मैंने सबसे पहले एक बैकग्राउंड ऐड किया था जोम्बीज वाला बैकग्राउंड, ठीक है। और वहाँ पे मैंने उसके नीचे वाले सरफेस को इरेज कर दिया। और गाइज यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ही इरेज किया है ताकि देखने पर पता नहीं चलेगा कि गाइज ये दूसरे बैकग्राउंड से ऐड हुआ है। तो उसके बाद से गाइज हमें यहाँ पे ऊपर के साइड में स्काई की कमी खल रही थी, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऐड फोटो पे जाते हैं और यहाँ पे गाइज मैंने एक स्काई की पीएनजी बनाई और यहाँ ऊपर के साइड में इसको चिपका दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे गाइज आप फुल बैकग्राउंड पे करोगे तो ये सेट हो जाएगा। देन यहाँ पे गाइज आपका जो बैकग्राउंड है वो हो गया है रेडी। तो सिंपल से यहाँ से हम इसको डन करते हैं। बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए गाइज आपको आइडियाज लगाने होंगे कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं। उसके बाद से गाइज अपने ड्रॉ टूल में जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद से सिंपल से आपने ऐड फोटो के ऊपर जाना है और यहाँ पे गाइज स्क्रैप कार की पीएनजी मिल जाएगी तो आपने उसको ऐड कर लेना है। और इसको ऐड करने के बाद से सिंपल से आपने लेयर पे जाना है और इसको ट्रांसफॉर्म पे लेकर जाना है और यहाँ पे इसको जूम करके बड़ा कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। और यहाँ पे इसके हाफ बॉडी को अपने बैकग्राउंड में रखना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से आपने रख लेना है। तो गाइज हमने यहाँ पे अपने बैकग्राउंड में अपने कार को सेट कर लिया है, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें जोम्बीज लगाने हैं। एम्प्टी लेयर बनाते हैं और कार के नीचे कर लेंगे। और उसके बाद से गाइज हम ऐड फोटो के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे गाइज हमें एक जोम्बीज डॉग मिलेंगे, ठीक है। तो आपने इनको ऐड कर लाना है, सिंपल से ट्रांसफॉर्म पे लेकर जाना है। और यहाँ पे गाइज हमारा लेयर कार के पीछे है तो हम सिंपल से इनको ट्रांसफॉर्म करके सेट कर लेंगे, ये इजीली सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने राइट साइड की तरफ इनको सेट कर लेना है, फिर एम्प्टी लेयर बनाना है, फिर कार के नीचे रखना है, ऐड फोटो पर जाना है और यहाँ पे आपने जोम्बीज जो मेन जोम्बीज है हमारा उसकी पीएनजी लेनी है। तो यहाँ पे गाइज आपने सिंपल से इसको ट्रांसफॉर्म पे लेके जाना है और यहाँ पे इसको पीछे के साइड में एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, हम जो हमारा डॉग और जोम्बीज वाला लेयर है उसको हम मर्ज कर लेंगे, फिर एम्प्टी लेयर बनाएंगे, कार के नीचे रखेंगे, ऐड फोटो पे जाएंगे और सिंपल से हम नेक्स्ट अपने जोम्बीज को ऐड कर लेंगे। इस तरह से गाइज आपको तीन चार जोम्बीज की पीएनजी मिल जाएगी। आपने सिंपल से वही प्रोसेस करना है, ऐड करना है, कार के पीछे रखना है और वहाँ पर उसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइज मैं बाकी जोम्बीज को जल्दी जल्दी से सेट कर लेता हूँ, ठीक है, नहीं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि तीन चार जोम्बीज ऐड करने हमें। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो जो गाइज हमारे बैकग्राउंड है वो रेडी हो चुका है फुल्ली। तो सिंपल से अपने ड्रॉ टूल से हम डिस्कार्ड कर लेंगे और गाइज हम अगेन ड्रॉ टूल में ही जाएंगे। तो यहाँ पे गाइज हम सिंपल से चलते हैं अपने ड्रॉ टूल में और उसके बाद से गाइज हम ऐड फोटो पे जाते हैं और यहाँ पे गाइज हम अपने कटआउट को ऐड कर लेते हैं। तो गाइज अगर आपने कटआउट बनाना नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वीडियो की, जाकर देख कर सीख सकते हो कि एचडी में कैसे कटआउट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने मॉडल को ट्रांसफॉर्म पे लेके जाते हैं और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके अपने जो हमारी कार है टूटी फूटी उसके ऊपर हम सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे गाइज हमने इसके ऊपर सेट कर लिया है, ठीक। और यहाँ इसके ऊपर सेट करने के बाद से अब यहाँ पे हमें शैडो बनाना है। तो शैडो बनाने के लिए गाइज आपने क्या करना है, सिंपल से लेयर के ऊपर जाना है, यहाँ पे एम्प्टी लेयर बनानी है, मॉडल के नीचे रख लेना है, ठीक। और यहाँ पे आपने ब्रश सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे इस ब्रश मैंने हार्ड ब्रश लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके साइज को इंक्रीज करेंगे, ओपेसिटी को 50%, हार्डनेस 1% और देन गाइज हम ब्रश करना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे गाइज हम जल्दी जल्दी से अपना शैडो बना लेते हैं, ठीक है। आप एकदम आराम से बना लेना है शैडो को। तो यहाँ पे गाइज हमने अपना शैडो बना लिया है परफेक्टली, आप यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से हम क्या करते हैं, यहाँ से अब इसको ड्रॉ टूल से डन कर लेंगे और यहाँ से गाइज हम इसको डिस्कार्ड करते हैं। और डिस्कार्ड करने के बाद गाइज अब आपने क्या करना है, अब चले जाना है ऐड फोटो पे और यहाँ पे गाइज नीचे के टाइप में एक डार्क शेड टाइप की पीएनजी मिल जाएगी, ठीक। तो आपने इसको ऐड करना है, जस्ट फुल बैकग्राउंड पे करना है, ये नीचे वाले एरिया को डार्क कर देगा आपके पूरे।
तो यहाँ पे गाइस हम इसको सिंपल से सेट करेंगे देन डन। उसके बाद से गाइस हम फिर एड फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे गाइस हमारी टेक्स्ट पीएनजी मिलेगी जॉम्बीज लैंड, ठीक है। तो आपने इसको नीचे के साइड में इसको भी सेट कर लेना है। तो यहाँ पे गाइस हम इसको भी एडजस्ट करते हैं और देन इधर से भी डन कर लेते हैं। डन करने के बाद से ड्रॉ टूल में जाना है गाइस, फोटो को कर लेना है सेव और सेव करने के बाद से चल लेना है लाइट रूम में। तो गाइस यहाँ पे आ गए अपने लाइट रूम में और लाइट रूम में आने के बाद सिंपल से लाइट पे जाना, यहाँ पे कर्व वाले टूल पे चले जाना है सीधे। और गाइस जल्दी मैं कर्व टूल के ऊपर वीडियो लेकर आऊँगा तो आप डिटेल में इसके ऊपर जान सकोगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक डॉट बनाते हैं और नीचे के साइड से इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, देन इधर से डन कर लेंगे। अब हम क्या करते हैं, कंट्रास्ट को यहाँ पे हम माइनस कर लेते हैं, माइनस कर 25। हाईलाइट्स को गाइस हम इंक्रीज करेंगे, इसको गाइस हम रखते हैं 22 और यहाँ पे हम गाइस शैडो को रखते हैं 25। वाइटीज को गाइस हम रख लेते हैं माइनस का 16 और यहाँ पे हम रख लेते हैं ब्लैक्स को माइनस का 20। यहाँ से गाइस हम चले जाते हैं कलर वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे गाइस जैसे आप टेम्प इंक्रीज करोगे यहाँ पे गाइस आपके बैकग्राउंड में येलो टोन उभर के आएगा। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं 10+, तो इसको रखते हैं 12 और यहाँ पे टिंट को हम रखते हैं थोड़ा माइनस की तरफ। और उसके बाद से हम क्या करते हैं, वाइब्रेंस के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम इसको रखेंगे 30 के अराउंड, ठीक। देन मिक्स वाले टूल पर जाना है, यहाँ से गाइस ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है, सेचुरेशन को माइनस करना है, लुमिनस थोड़ी सी इंक्रीज करनी है। और उसके बाद से गाइस आपने क्या करना है, ग्रीन कलर पर जाना है और उसकी सेचुरेशन को फुल माइनस कर देना है। और यहाँ पे इसके ह्यू को गाइस आपने फुल माइनस कर देना है, यहाँ पे मैंने नहीं किया है बट आप कर देना। उसके बाद चले जाना है सियान कलर में और यहाँ पे क्या करना है, इसके ह्यू को थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है और यहाँ पे सेचुरेशन और लुमिनस थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। उसके बाद से गाइस इधर से डन कर लेना है, चले जाना है नेक्स्ट वाले टूल पे। यहाँ पे आ जाना है टेक्सचर, इसको रख लेते हैं हम 23, क्लियरिटी को 13, डीएस को गाइस हम थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे, यहाँ पे हम इसको रख लेते हैं 10 के आसपास, 14 रख लेते हैं, विगनेट को माइनस के 14 रखेंगे। यहाँ पे गाइस शार्पनिंग और नॉइस रिडक्शन, जब गाइस आप शार्पनिंग इंक्रीज करते हो तो उसमें ज़रूर से मास्किंग इंक्रीज कर लेना। तो यहाँ पे गाइस हमारी देखिए फोटो फुल्ली कंप्लीट हो गई है। और गाइस अगर आपको लगता है कि अभी भी गाइस हमारी फोटो थोड़ा ओवर सेचुरेटेड है तो आपने सिंपल से चले जाना है यहाँ पे मिक्स वाले टूल पर, यहाँ पे येलो कलर के सेचुरेशन को थोड़ा सा माइनस कर देना है जिससे गाइस बराबर हो जाएगा। तो गाइस देखिए हमारी फोटो हो गई फुल्ली कंप्लीट। तो गाइस आप कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।